अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं अपने बेटे के साथ करने वाली हूँ चैलेंज। तो बच्चों को हमेशा लगता है कि जंक फूड ज़्यादा हेल्दी है बनिस्बत हेल्दी फूड के। तो उसने मुझे कहा कि मम्मा जंक फूड, तो मैंने कहा ठीक है हम लोग कॉम्पिटिशन करते हैं जंक फूड और हेल्दी फूड। लेट्स सी आपका क्या निकलता है और मेरा, और कौन विन करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला राउंड। तो एक में रखा है मैंने पिज्ज़ा और दूसरे में रखा है बॉयल एग। तो फारिस को भी नहीं पता कौन सी प्लेट में पिज्ज़ा है और बॉयल एग, ना मुझे। तो अब मोहम्मद फारिस जो है वो सेलेक्ट करेंगे एक प्लेट। तो फारिस ने की है ये प्लेट सेलेक्ट, तो फारिस को मैं दे दूंगी इसकी प्लेट और मैंने ये ले ली है। तो अब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4। ओ नो, तो अब मुझे खाना पड़ेगा बॉइल्ड एग और फारिस को अरे खाना पड़ेगा पिज्जा। तो पहले राउंड में मैं आउट हो चुकी हूँ। अब ये है हमारा दूसरा राउंड। तो अब इसके अंदर भी मैं स्टार्ट करूंगी शफल शफल शफल, एंड आई होप इस बार मैं जीत जाऊँ। तो इसके अंदर भी मैंने कुछ ऐसा ही रखा है, एक में जंक और एक में हेल्दी फूड। लेट्स सी क्या आता है इस बार मेरे नसीब में। तो फारिस ने अपनी प्लेट स्टार्ट कर दी, एंड स्टार्ट 1, 2 एंड 3। तो फारिस का निकला है बादाम और मेरी निकली है चिप्स, यमी। ओह यस। नो तो अब आप देख सकते हो कि फारिस का बादाम खाते हुए मूड कैसा हो रहा है और उसने अपनी शक्ल मुंह बना लिया है कि मामा ने मुझे बादाम खिला दी। तो बच्चों का यही होता है, उनको जंक फूड बहुत पसंद आता है और हेल्दी नहीं। तो अब हम अपना तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो अब तीसरे राउंड के अंदर रखे हैं दो जूसेस, एक है जूस और एक है मिल्क। लेट्स सी फारिस का क्या आता है। तो अब स्टार्ट करेंगे शफल शफल शफल। तो अब फारिस करेगा सेलेक्ट, एंड फारिस थोड़ा थोड़ा डाउटफुल है कि इसमें से कौन सा होगा क्योंकि उसको जूस पीना है। लेट्स सी। और फारिस ने सेलेक्ट किया है, कौन सा करेगा फारिस सेलेक्ट। तो फारिस ने ये सेलेक्ट किया और मम्मा ने ये ले लिया। तो आई होप मैं ये भी विन करूं और अब देखते हैं क्या निकलेगा। स्टार्ट 1, 2, 3। और मेरा निकला है मिल्क और फारिस का निकला है ऑरेंज जूस। तो ओ नो, तो फारिस हो गया हैप्पी और मम्मा हो गई सैड। हमारा ये है लास्ट चैलेंज। तो अब पता चलेगा कि कौन विन करेगा, फारिस जीतेगा या फिर मैं जीतूंगा। नहीं मम्मा जीतेंगी। देखते हैं कौन जीतेगा। तो अब हमने किया है शफल शफल और शफल। तो लेट्स सी, इसको मम्मा ने बहुत शफल किया है और एक में है आइसक्रीम और दूसरे में है चीज़। लेट्स सी कौन हेल्दी लेगा और कौन जंक। तो स्टार्ट करते हैं हमारा राउंड 1, 2, 3। तो अब निकला है फारिस की आइसक्रीम और मम्मा के निकली है मोज़रेला चीज़। फ्रेंड्स, तो फारिस ये चैलेंज जीत चुका है। तो अब चैलेंज की शर्त ये थी कि जो जीतेगा वो उसका नेक्स्ट फूड खाएगा। अगर मैं जीतूंगी तो मैं हेल्दी फूड खाऊंगी या फारिस हेल्दी फूड खाएगा, और अगर जो जीतेगा जंक फूड तो वो फिर जंक फूड दूसरे को बना के देगा। तो फारिस को खाना था जंक फूड, अब मुझे उसको नहीं खिलाना था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हेल्दी और जंक मिक्स करके बनाया जाए। तो मैंने बनाया है फ्राइज, और मेरे पास लेफ्ट ओवर चिकन पड़ी थी, चिकन टिक्का चंक्स। तो फिर मैंने उनको बोन में से सेपरेट कर लिया, चिकन टिक्का चंक्स को, और चिकन को अलग कर लिया और बोन्स को मैंने फेंक दिया। तो चिकन मेरे पास पड़ी हुई थी और ये है मेरे पास फ्राइज़। तो मैंने कहा फ्राइज़ को फ्राई करने के बाद मैं एक पैन के अंदर इन चीज़ों को असेंबल कर लूँगी। तो मैंने ली है ऑलिव्स, और ऑलिव्स लिए हैं, मोज़रेला चीज़ ली है, सॉल्ट लिए और चिकन लिए। तो मैं अब इन लोगों को लाइन से असेंबल करूंगी। तो पहले मैंने फ्राइज़ लिए हैं, फ्राइज़ के बाद मैं ये चिकन टिक्का चंक्स डालूंगी। आपके पास कोई भी लेफ्ट ओवर चिकन हो तो आप उसको डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि मतलब वो सॉसी ना हो ज़्यादा। तो बस मेरे पास ये चिकन टिक्का चंक्स पड़े थे तो वो मैंने डाले हैं, फ्राइज़ डाली हैं, और मैंने फ्राइज़ के ऊपर पहले सॉल्ट भी डाला है क्योंकि यहाँ जो रेडीमेड फ्राइज़ मिलते हैं उसमें सॉल्ट नहीं होता। तो मैंने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। अब मैंने चिकन डाली है
और अब चिकन के बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी ऑलिव्स। तो आपकी अपनी चॉइस है, आपको ऑलिव्स डालने हैं, आपको हेलापिनोज डालनी है, आपको आपके बच्चों पर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कौन से वेजीज खाते हैं। आप मशरूम्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ना मशरूम्स खाते हैं ना हेलापिनोज खाते हैं, सिर्फ वो ऑलिव्स खाते हैं। तो बस मैं ऑलिव्स डाल रही थी और अब मैं इसके ऊपर असेंबल करूँगी मोज़रेला चीज़। तो एक तरह से ये हेल्दी हो जाता है और बच्चों की एक हेल्दी सी मील हो जाती है। तो बच्चे फ्राइज देख के उन चीज़ों को भी खा लेते हैं जो उनको नहीं पसंद होती। तो बस मैंने मोज़रेला चीज़ इसमें ऐड की है और अब मैं इसको इस पैन को स्लो चूल्हे पे रख दूंगी ताकि जो मेरी जो मोज़रेला चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर आपको इसको ओवन में रखना है तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे को लगी थी बहुत तेज़ भूख तो फिर मैंने इतना वेट नहीं किया और मैं बस इसको स्लो चूल्हे पर मोज़रेला चीज़ को मेल्ट करने के लिए रख दूंगी लिड लगा के। तो बस मेरा छोटा वाला बेटा भी वेट कर रहा है कि मम्मा जल्दी से बन जाए और मैं जल्दी से खा लूँ। तो बच्चों का यही होता है कि ना जब उनको भूख लग रही होती है तो अगर आप उस टाइम पर उन बच्चों को हेल्दी ऑप्शन दे दें तो वो लोग खुशी से खा लेते हैं। तो बस बच्चों ने खा लिया था, अब बच्चे अपना खेलने में लगे हुए थे। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।